Good morning, students. How are you? I hope all of you are okay at home. As we know, we have completed chapter 1, 2, and 3. Today we will start chapter number 4, My Locality. Locality means ilaka. इलाका मीन्स आपका यहाँ पे घर है, वहाँ पे चारों तरफ का एरिया, आप जहाँ पे भी रहते हो वो आपकी लोकेलिटी है. टुडे वी विल विजिट मालाज लोकेलिटी. माला इज अ गर्ल, शी लिव्स इन कमल विहार. कमल विहार इज द नेम ऑफ हर लोकेलिटी. माला एक लड़की है, वो कमल विहार लोकेलिटी में रहती है. इन मालास लोकेलिटी देयर आर सो मैनी हाउसेस, मीन्स माला की लोकेलिटी में बहुत सारे घर हैं. सम हाउसेस आर बिग एंड सम हाउसेस आर स्मॉल. कुछ घर बड़े हैं और कुछ घर छोटे हैं. आपकी लोकेलिटी में भी ऐसा ही है ना, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी कुछ घर बड़े होते हैं और कुछ घर छोटे होते हैं. देयर इज वन पार्क इन मालास लोकेलिटी. ऑल ऑफ यू ऑल्सो गो टू पार्क, आप भी पार्क जाते हो. व्हाट हैव यू सीन देयर, आप वहाँ पे क्या देखते हो? सो मैनी ट्रीज एंड स्विंग्स, मीन बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे झूले. यस, आल्सो देयर आर सो मैनी ट्रीज एंड स्विंग्स इन द पार्क ऑफ मालास. माला के पार्क में भी बहुत सारे वृक्ष और स्विंग्स हैं. एंड आप आल्सो पार्क इन द पार्क ऑफ मालास लोकेलिटी देयर इज अ बोट. एंड व्हाट हैव यू राइट ऑन दैट, यू नो On that boat is like that, don't pluck flowers. Means of this, कि हमें flowers को तोड़ना नहीं चाहिए. हम जब भी पार्क में जाते हैं हमें वहाँ पे flowers को pluck नहीं करना चाहिए, means flowers को तोड़ना नहीं चाहिए. And there is one hospital in the Malas locality. Means when Mala's ill, her parents take to her in the hospital. जब माला बीमार होती है तो माला के पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं. आप भी जब बीमार होते हो तो आपको पेरेंट्स कहाँ लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास. वैसे ही माला के पेरेंट्स भी उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं. एंड आल्सो माला's पेरेंट्स says to her that hospital is the most important building in the locality. मतलब वो कह रहे हैं कि जो hospital है वो बहुत important है locality में, कि उसका होना बहुत जरूरी है. Means अगर कोई बीमार होता है, अगर hospital हमारी locality में होगा तो हम उसको जल्दी से hospital में ले जाएंगे और वो उसका treatment जल्दी शुरू हो जाएगा. इसलिए हॉस्पिटल लोकेलिटी में होना बहुत जरूरी है. नियर द हॉस्पिटल देयर इज पोस्ट ऑफिस इन मालास लोकेलिटी. पोस्ट ऑफिस हियर मालास ग्रैंडपेरेंट्स बाय स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड्स इनवेट्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. मतलब माला की लोकेलिटी में एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ से उसके ग्रैंड पेरेंट्स पोस्ट कार्ड्स लेटर्स इनवेल्प्स खरीदते हैं. एंड आउटर द पोस्ट ऑफिस देयर इज अ लेटर बॉक्स. पोस्ट ऑफिस के बाहर एक लेटर बॉक्स है जहाँ से हम जिसमें हम लेटर्स डालते हैं. किसी को भेजने के लिए अगर हमने लेटर भेजना है तो हमें पहले उसको लेटर बॉक्स में डालना पड़ेगा और वहाँ से पोस्टमैन उसको कलेक्ट करेगा. तभी हम माला की लोकेलिटी के पोस्ट ऑफिस के बाहर भी एक लेटर बॉक्स है जिसमें माला की लोकेलिटी के लोग लेटर्स डालते हैं. नियर द पोस्ट ऑफिस देयर इज अ पुलिस
पुलिस स्टेशन है, पुलिस सिटी इन द पुलिस स्टेशन एंड गांव द लोकेलिटी। पुलिस स्टेशन में पुलिस बैठती है और पूरी लोकेलिटी को का ध्यान रखती है। दे कैच थीप्स, थीप्स मीन्स चोर, वो चोरों को पकड़ती है एंड हेल्प पीपल टू फाइंड देयर लॉस्ट थिंग्स। अगर उनकी कोई चीज़ें गुम हो जाती हैं तो उसको फाइंड करने में भी पुलिस उनकी हेल्प करती है। एंड देयर इज वन बिग मार्केट इन द मालास लोकेलिटी। माला की लोकेलिटी में एक बहुत बड़ा बाजार है। आप भी बाजार जाते हो, क्या खरीदते हो वहाँ से? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। यस, लाइक दिस माला आल्सो बाय फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड डेली रूटीन थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। माला भी अपने बाजार से फल, सब्जियां और जो उनके डेली की लाइफ में चीज़ें यूज आती हैं वो मार्केट से खरीदती हैं। एंड एवरी वीक थर्सडे देयर इज अ बिग मार्केट इन द माला लोकेलिटी। माला के लोकेलिटी में थर्सडे को बहुत बड़ा बाजार लगता है। नाउ माला'स फादर टेल टू हर अबाउट डायरेक्शंस टू मूव अराउंड इन द लोकेलिटी। माला के फादर उसको बता रहे हैं कि अगर तुमने लोकेलिटी में घूमना है तो तुम्हें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। हर फादर सी टू हर देयर आर फोर डायरेक्शंस। वन इज ईस्ट, वन इज वेस्ट, वन इज नॉर्थ, वन इज साउथ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास फोर डायरेक्शंस हैं, वो कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इट मीन्स दैट हमारी फोर डायरेक्शंस होती हैं। क्या है उनके नाम? यस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ हर फादर से टू हर, व्हेन यू, हाउ विल यू फाइंड अबाउट द डायरेक्शंस। अब उसके फादर उसको बता रहे हैं कि अगर आपको डायरेक्शंस को फाइंड करना है तो आप उसको कैसे करोगे। व्हेन यू फेस टुवर्ड्स द सन, इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज ईस्ट एंड बिहाइंड यू दैट इज वेस्ट एंड इन द लेफ्ट दैट इज नॉर्थ एंड इन द राइट दैट इज साउथ। मीन्स दैट वो कह रहे हैं जब आप सूरज के सामने खड़े होंगे तो वो आपके सामने ईस्ट है, आपके पीछे वेस्ट है और आपके लेफ्ट में नॉर्थ है और राइट में साउथ है। थैंक यू।